तो गाइज इसीलिए बोलता हूँ न्यू ईयर पे मत निकलो। ये देखो ये है इंडिवर 3.2 जो कि पूरी अंदर घुस गई है। हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सारे घर वाले उठ गए, मैं किचन में आ गया और गुड मॉर्निंग शालिनी जी। और ये देखो इधर को बोल के गया धनादन बोल दी गई है, तो धनादन अदरक कूट लेते। इधर अपने बार्बर साहब भी आ गए। सी गाइस लॉट्स ऑफ फ्रूट्स विद वेजीज, इसे तो हम लोग के इधर सिच कोहड़ा और कदीमा बोलते हैं। आप बताओ आप क्या बोलते हो? उम्मीद ये है ड्रम स्टिक जिसको सोजन कहते हैं हम लोग। सुबह सुबह उठते ही फरमान जारी कर दिया गला दबाने का। ये देखो ब्लेड व्लेड भी निकाल रहा गाइस। तो अगर मेरी मृत्यु हो गई तो सारा जिम्मेदार सिर्फ इस इंसान को जाता। ओहो कैजुअलिटी हो गई, कट इट कट इट। तो गाइस अब हम दूध लाने जा रहे हैं, तो थोड़ा टचअप वचअप करा लिया। सेफ वेप न्यू ईयर आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इट्स ऑलरेडी 30th ऑफ दिसंबर। अभी निकालते हैं बाइक को, तो काम वाम के वैसे तो गाइस अभी हम आ गए राजपुर रोड पे विथ नन अदर देन भाउजी सलीनी। सालनी जी साल ज्यादा तेज हो रहे हो। ये है राजपुर रोड जो कि आज भर चलने लायक है, उसके बाद कल तो न्यू ईयर के दिन बोर्ड लग जाएगी मसूरी फुल की, तो आपने देखा ही होगा हर जगह। तो अभी यू टर्न लेते हैं फिर हम चलते हैं HMS। ये पता नहीं मेरे को जीन्स है या टॉप है, तो जो भी लड़कियां देख रही हैं बताना ये कहाँ का है, ऊपर का नीचे का, मेरे तो समझ से बाहर। तो गाइस सबसे भारी दिक्कत हो जाती है जब कोई गिफ्ट विफ्ट लेता है ना, तो उसकी साइज वाइज चेंज करवानी पड़ती है। पीछे ध्यान मत दो जो देख रहे हो, ये देखो शर्ट, तो ये चेंज करके सोच रहा हूँ लेने की, सही लग रही। एक्सचेंज शॉपिंग सब डन, लेट्स गो। तो अभी हम थे वेस्ट साइड में, अब सीधा जाएंगे घर क्योंकि बहुत लेट हो गई हमें। रोमियो लेन का बोर्ड है वहाँ पे, तो देहरादून में ना भर भर के दो चीज है, जिम और कैफे। जिम और कैफे, खूब खाओ खूब जिम करो हेल्दी रहो। तो गाइस तो वापस से मैं आ गया हूँ अब GoPro पे। तो फिलहाल तो माइक की दिक्कत तो थोड़ी है कि विंड नॉइज़ थोड़ी सी आएगी गाइस, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, बट वो जल्दी ठीक कर दूँगा। ऑलरेडी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया है मोआनो का माइक, जिसका माइक तो मेरा सही है, बस मुझे वो प्रूफ चाहिए क्योंकि जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा। तो आई होप आपको डेली ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाइक से कैनाल रूट पे अपने फ्रेंड के घर, आंचल है मेरी दोस्त उसके घर। तो बेसिकली 1 तारीख से मेरा पेपर है, तो पेपर तो बड़े पड़े होते हैं DIT में क्योंकि ट्राइमेस्टर है, तो 2 साल में 12 पेपर होंगे। तो पेपर तो है थोड़ा, ये पंगा तो है, बाकी DIT के भी ब्लॉग्स डालूंगा अब मैं दबा के। तो फिलहाल पहले जिनको नहीं पता वो MIT में था मैं, उसके बाद अभी MBA के लिए आया हूँ DIT। तो गाइस ये साइड में जो जा रही है पजेरो पुरानी वाली, ये मेरे को ज़ोरदार लगती है, बट रेड कलर में जो एनिमल मूवी में भी दिखाया है, काफ़ी सेक्सी लगती है। नंबर भी देखो 50-50 बढ़िया है। तो बेसिकली गाइस फिलहाल तो ये सीन है, आजकल ना बाइक चलाने की आदत नहीं रह गई, तो इतना दूर चलाया हूँ अब लगता है क्यों लोग कहते हैं स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, करते में से दर्द हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट फिर ये कुछ दिन चलाऊंगा भैया मेरा सेट हो जाएगा। हाँ तो सेट ही है, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रहा, ज़्यादा लग्जरी की आदत हो गई है मित्रों, कम करनी होगी। तो गाइस हम आ गए आंचल के यहाँ, ये रही मानसी और आंचल खाना पका रही है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है आंचल का घर, इसमें फोटो लगी हुई है आंचल की। ये काट रही है टमाटर अचल गाइस। तो अभी खाना आना स्टार्ट हो गया है, तो ये है मकई का रोटी मानसी, और ये सरसों का साग है। नहीं चाहिए मेरे को इतना, तो हो गया
कुछ और खाओगा मेरे को। ये है माखन, इसमें भी कुछ है गाइस, देखो गाइस इसमें तो घी है, लाओ थोड़ा हम लोग इसमें से। ओ माय गॉड सी वेरी स्टैटिक, तो हमने घी डाल लिया इस पे चम्मच से, इसको बंद कर देते हैं और फटाफट से ट्राई करते हैं। गाइस ये चेक करो, ये है आंचल का मंडला आर्ट, वीडियो बना रहे हैं, काफी बढ़िया। यस अपने दोस्त के लिए तो बनाएंगे। और ये देखो ये है आंचल की बड़ी सिस्टर, इनका क्रोशे का काम है। ये देखो अगर आप लोगों को कोई भी ऑर्डर करना हो तो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो ये ऐसे ऐसे फूल बनाती हैं लोगों के लिए, यू नो फ्लावर्स। ये देखो गाइस इनके पास कैंडल भी बहुत तरह बेतरह के होते हैं, तो देखो उधर लड्डू वाले कैंडल अंदर में पड़े हुए हैं, इधर देखो इयर रिंग्स भी हैं क्रोशे के। गाइस ये चेक करो, ये है आंचल का मंडला आर्ट, वीडियो बना रहे हैं, काफी बढ़िया। यस अपने दोस्त के लिए तो बनाएंगे। और ये देखो ये है आंचल की बड़ी सिस्टर, इनका क्रोशे का काम है। ये देखो अगर आप लोगों को कोई भी ऑर्डर करना हो तो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो ये ऐसे ऐसे फूल बनाती हैं लोगों के लिए, यू नो फ्लावर्स। ये देखो गाइस इनके पास कैंडल भी बहुत तरह बेतरह के होते हैं। तो गाइस ये है करेजा, आपने अपने करेजा को आप लोग दे सकते हो, मैंने हर्ट को, ये देख रहे हो चार पीस है, मतलब एक खरीदो चार फंसाओ वो वाला स्कीम है। और ये है एक दिन में दो, देख रहे हो वेरी क्रिएटिव। तो ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम हैंडल बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग इस वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अपने अपने वेलेंटाइन के लिए। गाइस ये देखो मानसी को ब्लॉग करते हो, मानसी व्हाट आर डूइंग, ब्लॉगिंग कर रही हूं अब, मेरा भी एक ब्लॉग। तो गाइस अंधेरा होने को है और यहाँ से अभी हम लेंगे यू टर्न और आगे पेट का शॉप है, तो वहाँ से हमें बेला का खाना लेना है जो कि है रॉयल केनिन, तो अभी खाना वाना ले लेते हैं, बाकी दवा ववा फिर आपसे मिलते हैं। ठंड तो हो ही रही है पूरी पूरी, अभी डाल देते हैं इसको अंदर। तो गाइज इसीलिए बोलता हूँ न्यू ईयर पे मत निकलो। ये देखो ये है इंडिवर 3.2 जो कि पूरी अंदर घुस गई है। तो गाइज अभी हमें फिर से वापस राजपुर रोड पे, और पीछे आपको अभी एक एक्सीडेंट दिखा है, तो इसीलिए बोलता हूँ राइट सेफ, मेरी तरह चलाओ वेरी सेफ, ओके। और न्यू ईयर पे तो मैं बोलता हूँ गाड़ी लेके निकलो ही ना, तो दैट्स इट, अभी आगे फोकस करते हैं। देख रहे हो ट्रैफिक, तो मैं तो गाड़ी वाड़ी भी बहुत गंदी हो चुकी है, धो के रख दूंगा, इधर उधर जाना ही नहीं है भाई साहब, कोई रिस्क नहीं लेना। तो गाइस रात हो गई थी तो मैं सोचा बाहर ही खा लेता हूँ, तो हम आ गए थे काउंटडाउन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट विच सर्व चाइनीज फूड इन देहरादून। सी क्वांटिटी देखो गाइस, ये है वेज नूडल्स एंड दिस इज वेज लंगफंग शू। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं ब्लॉग में थोड़ा धीरे बोल रहा था, तो मैं उस पर काम करता हूँ, थोड़ा तेज बोलना स्टार्ट करना होता है, तब तक आप इनसे भी थक गई हैं आज, लेटी हुई हैं मैडम 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 सर मैडम सर, इसको देखो फ्लैश लाइट पर ना इसकी आँखें रेड हो जाती है। मैडम सर का खाना वाना भी आ गया, गुल्लू गुल्लू हो गई है मैडम, और आज इसने पता है गाइस क्या किया आपको, इसने अपनी पूरी दवाई एक ही दिन में पी ली है, तो वो तो कल पता चलोगे मैडम क्या होगो। तो गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और भाई साहब आज जो सीन देखा ना मैंने, मैं आपको बताता हूँ, आराम से गाड़ी चलाना आप लोग भी, इधर उधर कहीं मत जाना, और जाना तो पी खा के तो बिल्कुल मत चलाना गाड़ी, जो भाई स्कूटी की हालत हुई है ना, आई होप सब ठीक हो बस, नहीं तो क्या ही न्यू ईयर होगी उसकी। तो फिर बाय बाय।